नमस्कार एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ आप बीती। आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली रमा जी से। रमा जी को जून 2019 में पहली बार क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस डायग्नोज हुआ था। इसके बाद उन्हें इस बीमारी के 6 मेजर अटैक्स आए जिसमें हर बार उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। परेशान होकर रमा जी और उनकी फैमिली ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ऑप्ट करने का फैसला किया। अगस्त 2022 में उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अब एक साल का इलाज पूरा करने के बाद वो बिल्कुल ठीक है और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं से। नमस्कार रमा जी, वेलकम टू आप बीती। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। नमस्कार, मेरा नाम रमा है, मैं सहारनपुर से रहने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तनु है, मैं इनकी डॉटर हूँ, हम सहारनपुर के रहने वाले हैं। मेरी मम्मा को जब फर्स्ट टाइम पैंक्रियाटाइटिस का दर्द हुआ था तो 7 जून 2018 में हुआ था। जब इनको पैंक्रियाटाइटिस का पेन हुआ था तब हमें ये नहीं पता था कि इनको पैंक्रियाटाइटिस का पेन हो रहा है। और पैंक्रियाटाइटिस का जब फर्स्ट टाइम पेन हुआ था तो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द हुआ था। उसके बाद इनको हम हॉस्पिटल लेकर गए तो हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया तो डॉक्टर ने टेस्ट के लिए बोला। हमने इनके टेस्ट वगैरह करवाए और टेस्ट वगैरह करवाने के बाद हमें पता लगा कि इनकी पैंक्रिया की बीमारी हो गई है और इनकी पैंक्रिया एक्यूट भी हो गई थी। उसके बाद ये 12 दिन जब हॉस्पिटल में एडमिट रही तो उसमें से 6 दिन ये आईसीयू में एडमिट रही। और उसके बाद ये इनका ट्रीटमेंट अंग्रेजी डॉक्टर के द्वारा ही चलता रहा। तीन साल बाद जब भी इनको इनकी ना इतनी बुरी हालत हो गई थी, कई बीमारियों से ग्रसित हो गई थी और लगातार मेरा इलाज 3 साल तक चलता रहा अंग्रेजी दवाइयों में, जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल में ही अपना समय बिताना पड़ा था। कभी दूसरे महीने या 3 मंथ बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होना, कभी कभी तो 15 दिन बाद ही मैं भर्ती होना पड़ता था मुझे, जिसमें हमारे 7-8 लाख रुपए लग गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद हम ना इनकी ना लास्ट में जब हमने इनका टेस्ट वगैरह करवाए तो हमें पता लगा कि इनकी पैंक्रियाटाइटिस ना क्रोनिक भी हो गई है और लीवर भी डैमेज हो चुका था। लीवर भी तीसरे स्टेज पे था मेरा। थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। जब ये मतलब कि जब ये बाथरूम करने के लिए भी जाती थी तो इनको चल ही नहीं पाती थी, थकान एकदम महसूस होने लगती, सारा दिन बेड पे ही लेटी रहती थी, पसीना आ जाता था। और अगर कुछ खाती, जैसे कि दाल का सूप लिया, दाल का सूप बहुत ज़्यादा हल्का होता है, जब ये दाल का सूप भी लेती थी ना वो भी उल्टी हो जाती थी उसको लेकर भी। तो जब हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे तो हमने फिर मतलब कि यूट्यूब पे सर्च किया। जब हमें पता लगा कि साइंस में पैंक्रिया का अब तक कुछ इलाज हुआ ही नहीं है, फिर हमें यहाँ पड़ाव के बारे में पता लगा, वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी के यहाँ पे पड़ाव में इलाज है पैंक्रियाटाइटिस का। तो हमने निकिता मैम से कॉन्टैक्ट किया और हमने उनसे बात करी तो उन्होंने हमें 21 दिन के लिए वहाँ पर बुलाया। और फिर मेरे मम्मी पापा 21 दिन के लिए पड़ाव में गए और उन्होंने वहाँ पे 21 दिन में ये समझाया कि कैसे रहना है, हर चीज़ का टाइम टेबल बताया और परहेज कैसे करना है। 21 दिन वो वहाँ पे यही समझाते हैं बुलाकर। उन वहाँ पे 21 दिन रहने के बाद एक साल जब मम्मी का परहेज हुआ तो वहीं की दवाई मैंने खाई। हाँ, वहीं की दवाई से, और जैसे उन्होंने बताया था ना सब, हमने वही खाया और वही परहेज किया। और उसके बाद एक साल बाद उन्होंने हमें बोला था कि मतलब कि जैसे बोला उन्होंने, फिर इनका टेस्ट अब हुआ एक साल बाद तो इनकी बॉडी का टेस्ट हुआ और हमें पता लगा जितनी पैंक्रिया क्रोनिक हुई थी वो वहीं की वहीं रुक गई है और जो लीवर डैमेज हुआ था वो भी ठीक हो गया है। और बीपी की प्रॉब्लम थी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, सब भी नॉर्मल हो गया है, सब बीमारियाँ बिल्कुल नॉर्मल होगी और अब स्वस्थ हूँ। हाँ, ये घर का काम भी कर सकती हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एक साल तक उनकी दवाई खाने के बाद, परहेज करने के बाद आज तक एक साल हो गया है, ना ही तो एडमिट हुई है एक भी बार हॉस्पिटल में और ना ही इनको कोई दर्द हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ जी, और अगर आपको वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी, वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी एक वैद्य ही नहीं है बल्कि सब मरीजों के लिए और हमारे लिए भगवान ही है। और उन्होंने मेरे को इतना ठीक कर दिया, शायद ही कोई कर सकता था। अगर आपको हमसे कुछ संपर्क करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू रमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तनु का हमारे शो पर आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में ऐसी ही एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।